ऐसे ही और सदाबहार वीडियोस देखने के लिए शिमारू चैनल को सब्सक्राइब करें। 1 2 1 2 Shoes. Please come in. Sit down here. Thank you. ये मेरा अपार्टमेंट है। It's beautiful. मैं काम करती इंडियन एम्बेसी में। Yeah? इंडिया मेरा सपनों का देश। Can I offer you a cup of coffee? No, thank you. मैं चाय या कॉफी रात को पीता नहीं। Bye. मैं फिर आपसे मिलना चाहती हूँ। You are really great. Thank you. But why? Because तुमने मुझे बचाया from that man. When will I see you again? Tomorrow. I'll see you at Tokyo Tower. Marif, वो औरत तुम्हारे घर में कौन है? क्या वो तुम्हारी relative है? No, वो just a maid. क्यों? Because I thought, never mind. क्योंकि मैंने तुम्हारे घर में किसी और को नहीं देखा। My mother is dead. मेरा father रहता ओसाका में, मेरे brother के साथ। What are you doing here in Tokyo? मैं एक योगा टीचर हूँ। Will you teach me? Of course. तुम आओ मेरे इंस्टीट्यूट में। Not there. मेरे घर। तुम्हारे घर में? लेकिन तुमको जाना है? Any other place? No, thank you. चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। Go ahead. मैं जा सकती by myself. गर्भूतेषु मातृमेकल्पिता नमस्तस्यै
International police speaking. हाँ, हाँ. What? हमारे divers इस बार भी मायूस लौटे हैं. तो फिर डॉक्टर सातो पर कड़ी नजर रखना चाहिए. Watch him all round the day and night and report back to me. What? इस बार भी इंटरपोल के गोताखोरों को स्टार ऑफ एशिया का कोई सुराग नहीं मिला. I see. उस पर कड़ी नजर रखो. डॉक्टर सातो ने अपनी समुंदरी चार्ट पर गलत निशान लगा के हमें गुमराह किया. माधुरी, अब इस चार्ट की कोई कीमत नहीं. स्टार ऑफ एशिया तूफान में जिस जगह डूबा था उसका गलत नक्शा सटो ने मैरीन डिपार्टमेंट में डिपॉजिट कर दिया था. असली और सही नक्शा उसी के पास है. इसकी जानकारी जब इंटरपोल को लगेगी तो वो फौरन ही डॉक्टर सातो को गिरफ्तार कर लेंगे. करेक्ट. उससे पहले डॉक्टर सातो और उसके बेटे को किडनैप कर लो. हमें किसी भी कीमत पर वो सही चार्ट चाहिए. सर, कोई भी सवाल पूछना इंटरपोल के उसूल के खिलाफ है. फिर भी अगर आप इजाजत दें तो एक सवाल पूछ सकता हूँ. मैं जानता हूँ तुम क्या पूछना चाहते हो. सर, स्टार ऑफ एशिया जहाज तूफान की वजह से कई समंदर में गर्त हो चुका है. हम इसकी तलाश क्यों कर रहे हैं? इंटरपोल का इससे क्या संबंध है? संबंध है हिमाद्री. स्टार ऑफ एशिया जहाज में कहीं 60 करोड़ रुपए के सोना और हीरे ये कहकर छुपाया गया है कि कॉड लिवर ऑयल की एक्सपोर्ट किया जा रहा है. तब इंटरपोल के साथ सीधा संबंध बन जाता है. ये आप क्या कह रहे हैं सर? मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक साउथ ईस्ट एशिया में सबसे बड़ी स्मगलिंग गैंग है कामाकाजी. ये सोना और हीरे स्मगल करके सिंगापुर ले जा रहे थे जब बदकिस्मती से तूफान में जहाज डूब गया. Come in. दिल की बात बोलता हूँ, घर की बात बोलता हूँ, चिड़िया गुबार ला के भविष्य का हाल खोलता हूँ. टीकड़म हिगड़म ऑन ड्यूटी सर. क्या बात है सर? हिगड़म चला भूत घाट. सिक्वेन जहाज के ऑफिसरों का भूत भविष्य वर्तमान स्टडी करने के लिए सर. सर हिगड़म, बड़ी गंभीर खबर लेकर आए हो. सर, बहुत सीरियस मैटर है.
सर आपका कान दीजिए सर, टोक्यो से टेलैक्स। हिमाद्री, तुम्हारी सीकिंग कंपनी स्मगलिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड है। टोक्यो में डॉक्टर सातो ने तुम्हारे मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर सैगल के नाम स्टार ऑफ एशिया का सेल्वेजिंग राइट खरीदा। इसका मतलब हुआ असली चार्ट डॉक्टर सातो के पास है। सर ये बात तो आज सामने आई है, मगर आपने आज से 8 महीने पहले हिमाद्री को सीकिंग कंपनी में काम पर लगवाया था। मुझे शक था कि बहुत सी चीजों की स्मगलिंग में सीकिंग कंपनी का हाथ है, और फिर जब तुमने बताया कि हिमाद्री की बहन लता टैगल की बेटी के साथ पढ़ती है, मैंने हिमाद्री से कहा किसी भी चक्कर से सीकिंग कंपनी में घुस जाओ। अच्छा हिमाद्री, तुम सैगल के कितने नजदीक हो? इस महीने से ही मिस्टर सैगल ने मुझे अपना पर्सनल सेक्रेटरी बना लिया है। वेरी गुड, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम वेलकम वेलकम। तुम्हारी कंपनी के एनिवर्सरी में आने का वादा किया था मैंने, तुम्हारा केबल मिलते ही चलाया। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा इनसे मिलिए, आप है डॉक्टर सेन, दुनिया के मशहूर ओशियोग्राफर एंड साइंटिस्ट, और कैप्टन कॉल को तो आप जानती हैं। गुड डे डॉक्टर। ओ गुड डे। और ये है मेरा प्राइवेट एंड पर्सनल सेक्रेटरी मिस्टर हिमाद्री चौधरी। ओ हिमाद्री चौधरी, वाह कितना खूबसूरत नाम है तुम्हारा, हिमाद्री यानी हिमालय। हिमालय के सीने में बहुत सा रहस्य छुपा हुआ है। सर नाम तो मेरा जरूर हिमालय है, लेकिन दरअसल मैं उसका एक जर्रा हूं। वाह वाह वाह, क्या जवाब दिया है तुमने, वाह कितने खूबसूरत है ये फूल। लेकिन आज की दुनिया में जिंदा रहने के लिए जरूरत है ताकत, काम, क्रोध, लोभ, साथ ही जरूरत है फूल के रंग की, खुशबू की और खूबसूरती की। डॉक्टर सन, मेरे ख्याल से आप थके हुए हैं, इस वक्त आपको आराम की जरूरत है। हिमाद्री जी, इनको हमारा गेस्ट हाउस में ले चलो। शरीर के लिए यह भी जरूरी है, चलिए आइए। थैंक यू थैंक यू। कैप्टन। यस सर। वो जिस सील बंद लिफाफा मैंने तुम्हें जहाज के लॉकर में रखने के लिए दिया था, यस सर, उसके बारे में किसी को मालूम ना हो, यहां तक कि डेंजी को भी नहीं। ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे दरमियान रहेगी। ओके सर। तब तो हमें जहाज की तलाशी लेनी चाहिए। सीकिंग जहाज अभी कहां है? जी कलकत्ता पोर्ट में। लेकिन खुफिया तिजोरी की तलाशी, सर, आने वाले संडे को सीकिंग कंपनी की 10वीं सालगिरह है। सीकिंग कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे सभी दफ्तरों के लोगों को बुलाया गया है, और मेरी ड्यूटी है उन लोगों को एंटरटेन करना। वेरी गुड, ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। मुझे सिर्फ आधा घंटा चाहिए, आधा घंटा। इट विल बी डन सर। थैंक यू। तुम्हें यकीन है कि वो एक जापानी था? हाँ सर, लेकिन वो तिजोरी नहीं तोड़ सका। मेरे वहां वक्त पर आने की वजह से वो मुझे धक्का देकर भाग निकला। सिक्योरिटी वाले क्या कर रहे थे, उस पर गोली क्यों नहीं चलाई? गोलियां चलाई थी सर,
मैंने गोलियां चलाई, सिक्योरिटी गार्ड्स ने गोलियां चलाई, लेकिन वो ऐसे भाग निकला, ऐसे गायब हो गया, बिल्कुल दिखाई नहीं दिया सर। समझ में नहीं आ रहा है कि उस जापानी को हमारे तिजोरी के अंदर के कागजात के बारे में पता कैसे चला। सर पता नहीं, कहीं डॉक्टर सातो हमारे साथ डबल गेम तो नहीं खेल रहा है। नो सर, ऐसा सोचना ठीक नहीं होगा। Why? सर अभी अभी टेलेक्स से मैसेज आया है कि स्टार ऑफ एशिया के सारे सालवेजिंग राइट्स आपके जाती नाम पर खरीदे हुए हैं, और इसीलिए ये सोचना मुनासिब नहीं। तुम थोड़ी देर ठहरो। कैप्टन, तुम गाड़ी लेकर जहाज पर जाओ, वहां तिजोरी में इस तरह का एक लिफाफा मिलेगा, इसे वहां रख देना और वो लिफाफा मुझे पहुंचाना। ओके सर। साइकिल स्पीकिंग। निकोशी चले गए मुझसे कह बगैर। अरे आओ, इट्स ऑल राइट। समझ में नहीं आता ये चक्कर क्या है। चक्कर चक्कर पे चक्कर, इसका कोई अंत नहीं है। सारी दुनिया में एक ही चक्कर, चक्कर और टक्कर, ये तो चलता ही रहेगा भैया। तो भैया तुम्हारी पार्टी में आज बड़ा मजा आया, तुम्हारी कंपनी के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। मैंने मैंने थैंक्स। अरे सुनो, तुम्हारे साथ मेरी क्या बात हुई थी? क्या आपने वादा किया था ना कि आज हम दोनों को इवनिंग शो में फिल्म दिखाएंगे? I'm sorry, लेकिन यकीन करो ऑफिस में इतना काम था कि मुझसे मिलने का टाइम नहीं। Exactly, देखो ना तुम्हारे पिताजी कितनी बड़ी शिपिंग कंपनी है, कितना काम रहता है। अभी अभी फोन किया और कहा फौरन चले आओ, बहुत जरूरी काम है। जरूरी काम? हाँ। हो सकता है क्या डैडी को हम दोनों के बारे में पता चल गया है? तो क्या होगा, अरे भाई प्यार किया है, चोरी तो नहीं की। डैडी से मिली या नहीं? नहीं अभी तो आए हैं। मैं भी आया। हिमाद्री, तुम ये कभी मत सोचना कि मैंने तुम्हें अपनी बेटी रीना की सिफारिश पर रखा है। मुझे तुम्हारी काबिलियत, तुम्हारी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। मैंने हर तरह से सोच विचार करके ही ये डिसीजन लिया है। अब मेरा कारोबार, परिवार, सभी कुछ तुम्हारे हाथों में महफूज है। महफूज? और मेरे हाथों? यस माय बॉय, यस। मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, खासकर मेरे साले का लड़का सर्वेंद्र शर्मा, जरा भी भरोसे लायक नहीं है। यू नो, ये तो ही स्काउंडल। आज अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी दौलत के लालच में आकर वो मेरी बेटी दीना की जान भी ले सकता है। ठीक कह रहा है। जस्ट मिनट। साइकिल स्पीकिंग। नो, रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर। सिर्फ इतना ही नहीं, धंधे और दौलत के मामले में, खासकर बिजनेस और बैंक ट्रांजैक्शन के सिलसिले में, मैं आजकल मेरे बिजनेस पार्टनर, मेरे अजीज दोस्त गैंजी को भी ठीक पहले की तरह क्विक। इस शख्स को कभी देखा? जी नहीं। कुछ दिन पहले जब मैं गैंजी के घर से लौट रहा था, उसी दिन से इस शख्स को मेरी निगरानी करते हुए देख रहा हूं। एक के बाद एक कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं जिनका कारण ढूंढे से नहीं मिलता। गैंजी को जा रहा था सिंगापुर, चला गया कोई बेक। हैरत है सर, कोई खास काम था? नामुमकिन है। बैठो। कोई बैंक में जैन जी का कोई खास काम नहीं हो सकता, और फिर वो आदमी दैट मैन क्यों साये की तरह मेरा पीछा कर रहा है? क्यों एक जापानी ने आकर
हमारे जहाज पर हमला किया था। क्या सब महज इत्तेफाक है? अच्छा सर, इन सब बातों की छानबीन करने के लिए किसी प्राइवेट डिटेक्टिव को अपॉइंट करना कैसा रहेगा? नहीं, जब पोर्ट पुलिस तहकीकात कर रही है तो और कुछ करना ठीक नहीं होगा। अरे मंसूर, कैसे हो? गामा डोल कर दुनिया के बाजार में ठीक हूँ सब, एकदम फाइन। मंसूर, जहाज में कुछ गड़बड़ लग रही है। गड़बड़ कब नहीं थे मालिक। मतलब? शर्मा जी कैप्टन से मिलकर कुछ माल बाहर भेज रहे हैं। अच्छा? चोरी से। वो माल है कहाँ? चोरी का माल यहाँ नहीं, नूरपुर से लादा जाता है। नूरपुर? अकॉर्डिंग टू हिमाद्री इंफॉर्मेशन, ये वो जगह है जहां से वो अपना माल उठाते हैं। हिटाहरा, तुम मोटर बोट लेकर जाओगे और उनकी तमाम हरकतों को स्टडी करोगे। पंटू, तुम और हिमाद्री पता लगाओगे कि सीकिंग कंपनी का और कौन कौन शामिल है इस धंधे में। सर, क्यों ना अचानक इन लोगों को छापा मारकर रंगे हाथों पकड़ा जाए। उनको इस वक्त चौंका कर हम अपना ब्लू लेगुन प्रोग्राम खराब नहीं कर सकते। यस, OXOX बोलो। 0404 बोल रहा है। मनी लेंडर सुन रहा है, बोलो। डॉक्टर सातो और उनके बेटे का कहीं पता नहीं चल रहा है, लगता है उन्हें किडनैप कर लिया गया है। सर, मैंने भी ऐसा ही सोचा था। कामाकाजी ब्लू लेगून से बहुत ज्यादा चलाक और तेज है। तुम तलाशी जारी रखो और हर 6 घंटे के बाद पोजीशन बताते जाओ। ओके, ओवर एंड आउट। बहुत सावधानी से काम करना होगा। कामाकाजी को छेड़ने का मतलब है मौत को दावत देना। जरूरत पड़ने पर वो जान लेने में भी गुरेज नहीं करेगा, और उसके पास अपने हेलीकॉप्टर भी है। मांटू, सर तुम तो इंटरपोल में काम करने वाले लोगों के मुहाफिज हो, इसीलिए हिमाद्री की जान की जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। सर, मेरे इन हाथों पर आप विश्वास कर सकते हैं। चलो चलो, जल्दी करो, चलो। शिवा, सी क्वीन जहाज मूरिंग पॉइंट पर लंगर डाले हैं। ये सब बक्से बोट के जरिए वहां तक पहुंचा दो, बाकी का काम कैप्टन कॉल संभाल लेंगे, ठीक है? कौन कौन है? शिवा बास्टर्ड, spine!
या ब्लैक पैंथर ब्लैक पैंथर स्पीकिंग, कामाकाजी वन से बात करनी है। नंबर वन स्पीकिंग, हमारा नूरपुर का धंधा एक्सपोज हो गया है, इंटरपोल का किटहारा हमारे पीछे लगा हुआ था। वो अब तक जिंदा क्यों है? हमने उसे खत्म करने की पूरी कोशिश की सर, यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर से उसका पीछा भी किया, लेकिन वो बच निकले। एक और बात सर, उस जगह पर हेमाद्री चौधरी और एक और आदमी मौजूद था, लगता है ये इंटरपोल से मिले हुए हैं सर। हेमाद्री को फौरन खत्म कर दो, अगर ऐसा नहीं होता है तो उसका असली पता डंडी को बता दो। यसा मिस्टर सैगल पर कड़ी नजर रखो, डॉक्टर सटोने स्टार ऑफिशियल के सेल्वेजिंग राइट उसके नाम से खरीदा है, मिस्टर सैगल को जरूर पता होगा असली चोट कहां है। सीकिंग कंपनी के हेड क्लर्क सदानंद कुछ जरूरी कागजात एक दो दिन में देने वाला है, शायद उसमें कुछ मिल जाए। ठीक है, कल मैं साइप्रस के निकोशिया पोर्ट जा रहा हूं, ये बात किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए, जहां तक कि मेरी बेटी को भी नहीं। लेकिन मिस्टर डेंजी तो परसों आ रहे हैं। मैं किसी का इंतजार नहीं कर सकता, डेंजी पूछने से कह देना कि मैं किसी बिजनेस के सिलसिले में जापान चला गया, मेरे आने तक जाकर सारा कारोबार तुम्हारे जिम्मे है। मॉर्निंग। क्या मैं आ सकता हूं? कम इन। मिस्टर डेंजी, दो बार आपके बारे में पूछ चुके हैं। मिस्टर डेंजी आ गए? जी हाँ, कल रात को नाइट फ्लाइट में आए हुए हैं। मैं कम इन सर। कम इन सिट डाउन मिस्टर चौधरी। आज से एक महीने पहले सिंगापुर जाते वक्त मैंने एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स की फाइल मिस्टर सैगल के यहां भेजी थी, वो फाइल बगैर साइन किए मेरे पास वापस पहुंच गई। लेकिन सर, मैंने खुद ये फाइल मिस्टर सैगल के मेज पर रखी थी, फिर आपके पास वापस कैसे आ गई? तुम्हारा मतलब है तुम ये कहना चाहते हो? यस सर, मुझसे मिस्टर सैगल भी यही कह रहे थे कि हमारी कंपनी की फाइल अचानक गायब हो जाती है और ना जाने कैसे वापस भी आ जाती है। तुम्हारा मतलब है सीकिंग कॉर्पोरेशन ऑफिस आजकल भूतों का डेरा बना हुआ है? ऐसा कुछ लगता है सर। मिस्टर सैगल जापान जाते समय जापान नेविगेशन की फाइल ढूंढ रहे थे, कहीं नहीं मिली। मिस्टर सैगल जापान गए? जी हाँ। ताज्जुब है, जाने जापान जाने की क्या जरूरत पड़ गई उसको? आप शायद जानते नहीं, हमारे जहाज सी क्वीन पर रात के 10 बजे एक जापानी कैप्टन कॉल के केबिन में घुसकर वॉल्ट खोलने की कोशिश कर रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि कैप्टन कॉल ठीक वक्त पर आ गए, वरना। कौन था वो जापानी? यस सर, सरविंदर साहब बंबई गए हैं। बंबई गए क्यों, किस लिए? अगर सभी लोग इस तरह इधर उधर जाते रहे तो दफ्तर कैसे चलेगा? नॉनसेंस। लिसन मिस्टर चौधरी, मैं एक दो दिन में हांगकांग जाने वाला हूं, जैसे मिस्टर सैगल वापस लौटे तो उन्हें कहना कि जापान नेविगेशन से जो जहाज हमने खरीदा है उसके बारे में मुझसे सलाह किए बगैर किसी और से बात ना करें। अच्छा, यू मे गो नाउ। मैं कहां गलत हूं बताइए। हिमाद्री चौधरी अगर मिस्टर सैगल के यहां सेक्रेटरी बनकर उनका इंटरेस्ट देख सकते हैं तो मैं आपका सेक्रेटरी होने के नाते आपका इंटरेस्ट क्यों नहीं देख सकता? लेकिन शर्विंदर, मेरा मतलब है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट की फाइल जो आपने मिस्टर सैगल के पास सिग्नेचर करने के लिए भेजी थी, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि वो साइन नहीं करेंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि मिस्टर सैगल साइन करना चाहते थे लेकिन चौधरी की सलाह देने पर उन्होंने साइन नहीं की। अगर ये सच है शर्विंदर, तो सैगल मुझ पर शक करके खुद खोद रहा है। यस सर। चौधरी साहब को भेजो। जी सर।
चौधरी इस वक्त ऑफिस में नहीं है। मतलब? मतलब ये कि वो इस वक्त ऑफिशियल नहीं, अनऑफिशियल ड्यूटी पर है। अनऑफिशियल ड्यूटी? जी हाँ, मिस्टर साइगल जापान जाने से पहले नीना की सारी जिम्मेदारी हिमाद्री पर सौंप गए थे, इसलिए पिछले दो दिन दो रातें नीना ने हिमाद्री के फ्लैट पर गुजारे थे। केविंदर? जी हाँ सर, आज और आने वाले दो दिन वे दोनों अय्याशी करने के लिए कलकत्ते से बाहर गए हुए हैं। Stop it. ऐसी खतरनाक चीज लेकर मजाक नहीं क्या करते? अंदर रख लो इसको, अंदर रख। हाँ ये लो, ये है दफ्तर की बहुत जरूरी कागजात, अगर जरूरत पड़े और भी कागजात ला दूंगा, मगर इसको संभाल कर रखना, क्योंकि पुलिस वालों की नजर हम पर है। हाँ? जय शिव शंभु, जय शिव शंभु। मानतू, तब तो तुम्हारा सदानंद बहुत आनंद में है। हाँ सर, बहुत आनंद में है। उसने अपने दफ्तर के बहुत से गलत डॉक्यूमेंट उन लोगों के हाथों में बेचे हैं। बहुत खूब, तब तो वो सब मिसगाइडेड हो जाएंगे। सुनो मानतू, तुम हिमाद्री को साथ लेकर वाइल्ड कैट नाइट क्लब में जाओगे, मैं भी ड्रेस बदल कर पहुंच जाऊंगा। शर्मिंदर मांगलारों से वही मिलता है, और तुम दोनों पता लगाओगे कि डेंजी इस धंधे में है या नहीं। दिल की बात बताएगा, अंदर की बात बताएगा। चिड़ी से पट्टा खुलवाएगा, एक का एक लाख पाएगा, फुटपाथ से मर्सिडीज में जाएगा, उठा तो वीर, बैठा तो बादशाह, लेटा तो शहंशाह हो जाएगा। चिड़ी से पट्टा खुलवाएगा, दिल की बात बताएगा, अंदर की बात बताएगा। चिड़ी से पट्टा खुलवाओ, हम दिल की बात बताएगा, उठा तो पीर, बैठा तो बादशाह। टैक्सी, टैक्सी, टैक्सी। मान तो दारे। क्या रे हिमाचल का? टैक्सी में बैठ के चला गया। तू क्या कर रहा था? मैं आपके पीछे बैठता है। जाने कैसा जादू ये चल गया, सारा ये नजारा बदल गया, मस्ती में ये आलम जो ढल गया, प्यार के लिए दिल मचल गया, कैसी जलती है जलती है जलती है ये वतन, गले शोलों में शोलों में शोलों में ये वतन। कैसा जादू ये चल गया, सारा ये नजारा बदल गया, मस्ती में ये आलम जो ढल गया, प्यार के लिए दिल मचल
बहुत खुश नजर आ रही हो। सायमन एक बहुत ही बढ़िया खबर लेकर आया है जानेमन। हिमाद्री चौधरी ने इनोसेंट मारू का रूट चार्ट जानने के लिए मिस्टर साइगल को निकोसिया टेलेक्स मैसेज भेजा है। इसमें इस तरह एक्साइटेड होने की क्या बात है? है डार्लिंग है, तुम नहीं समझोगी। मिस्टर साइगल जापान जाने के बहाने निकोसिया गए हैं और इस खबर को हिमाद्री चौधरी के अलावा और कोई नहीं जानता था। ओह, अब इस खबर को मैं कैश करूंगा। कौन है? पुलिस? चलो देखते हैं।
हेलो डॉक्टर सातो स्पीकिंग, आप फॉरेन योगा में चलाइए। ऑल राइट साइकिल स्पीकिंग, क्या इनोसेंट बारू जहाज ड्राई डॉक पे है और डॉक्टर सातो कहीं चले गए हैं? ऐसे ठीक है, मैं बाद में तुम्हें कांटेक्ट करूंगा। थैंक यू। May I come in, sir? Yes, come in. Good evening, sir. Good evening. टोक्यो में इंडियन एम्बेसी में डॉक्टर सातो की जो बेटी अमेरिका में काम करती है उसे मिल चुके? Yes, sir. उन्हें मैं कुछ नहीं मालूम, sir. कुछ नहीं मालूम? कुछ नहीं। अच्छा, ठीक है, कल मैं कलकत्ता जा रहा हूँ। Oh, I see, sir. लेकिन किसी भी कीमत पर मुझे डॉक्टर सातो का पता चाहिए। All right, sir. You may go now. Thank you, sir. Come. Stop. कौन हो तुम? क्या चाहते हो? जहाँ खड़े हैं वही खड़े रहिए, आगे बढ़ने की कोशिश मत कीजिए। आखिर चाहते क्या हो? किस लिए आए? मैं कामकाजी का आदमी। कामकाजी? आप शिपिंग कंपनी चलाते हैं तो कामकाजी के बारे में जरूर सुने होंगे। The dangerous smuggling syndicate of Southeast Asia. Yes, कामकाजी is very dangerous and very famous too. अब आप चाहे जितनी तलाश करें आपकी मुलाकात डॉक्टर सातो से फिर नहीं होगी। उन्होंने आपके नाम पर स्टार ऑफ एशिया का सार्वजनिक राइट खरीदा था, अब वो आप राइट 7 दिन के अंदर सरेंडर कर दें ताकि उसकी रिएक्शन हो जाए। अगर मैंने सरेंडर नहीं किया तो? यू मस्ट, ये कामकाजी का हुक्म है। अब आज से 8वें दिन हमारी मुलाकात फिर होगी, और वो मुलाकात कहाँ होगी और कैसे होगी वो आपके ऊपर है। गुड नाइट। चौंका दिया ना? अरे भाई, मैं भी इसी होटल में ठहरा हूं, बोर्ड पर तुम्हारा नाम देखा तो चला आया। लेकिन आप अचानक निकोसिया में हैं? समझे नहीं? अरे समझोगे कैसे, मनुष्य जीवन इतना रहस्यपूर्ण है हम जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम निकोसिया में क्यों आए ये समझने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। बात यह है कि एक खास आदमी से। जानता हूँ जानता हूँ। अरे डॉक्टर सेटो के इनोसेंट मारू जहाज यहाँ के ड्राई डॉक में खड़ा है। अरे डॉक्टर सेटो भी तो यही था, लेकिन वो गया किधर? लेकिन उसको मिले बिना तुम्हारा निकोसियाना बेकार साबित हुआ। मैं डॉक्टर सातो से मिलने आया हूं, ये खबर आपको कैसे और किसने दी? किसी ने नहीं दी। सिंपल मैथमेटिक्स, सीधा हिसाब का खेल, इंट्यूशन भी कह सकते हो। साइकिल साहब, हम सब गलत हैं, सब गलत हैं। सारी उम्र हम लोग गलती करके चले आ रहे हैं, जैसे अलादीन का चिराग। हम जानते हैं उसमें कुछ सच नहीं है, फिर भी हम उसके पीछे दौड़ते हैं। अरे हाँ, तुम कलकत्ता कब जा रहे हो? कल। ओ वंडरफुल वंडरफुल, शुभ यात्रा शुभ रात्रि। तुम होश में तो हो ना? बिल्कुल, ये तो चावा के सही वक्त पर शरविंदर ने मुझे हांगकांग में टेरेक्स कर दिया। शरविंदर ने हांगकांग में टेरेक्स किया, लेकिन
लेकिन मैंने तो उस चार्ट के बारे में ये बात इसे जिक्र तक नहीं किया। यकीनन कहा। नहीं डेंजी, बिलीव मी, नहीं। शायद तुम्हें अभी याद नहीं रहा। मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता कि हिमाद्री मेरे साथ विश्वासघात करेगा, मेरे साथ। खैर, आई एम ग्रेटफुल टू डेंजे, तुमने टेलेक्स देखकर मुझे बचा लिया। क्या तकदीर पाई है मैंने। गया था इनोसेंट मारू का प्रॉब्लम सॉल्व करने, जो हुआ नहीं, और फंस गया सी क्वीन के प्रॉब्लम में। डोंट गेट अपसेट। देखो, इसके बारे में अभी हिमाद्री से कुछ मत कहना। इससे पहले हमें डॉक्टर सातू से इनोसेंट मारू जहाज के बारे में कुछ डिस्कशन करना है, समझे? ओह माय गॉड, वी आर ऑलरेडी लेट। चलो गाड़ी में चलते चलते बातचीत करेंगे। कम, लेट्स गो। क्या हूं? प्रेमी के रूप में इंटरपोल एजेंट। मैंने तुम पर विश्वास किया था और तुम गेट आउट। ऐसा गेट आउट फ्रॉम हियर। आप क्या कह रहे हैं? शट अप। तुम्हारी सिफारिश पर इस शैतान को नौकरी पर रखकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। ये नीच बेईमान इज अ क्रूकेड शैडो ऑफ द इंटरपोल डिपार्टमेंट। अब फिर भी तुम खड़े हो सरविंदर, इसे धक्के मार के घर से निकाल दो। इसकी कोई जरूरत नहीं है। समंदर में जहाज पर छापा मारना जितना आसान है, किसी के घर में घुसकर छापा मारना उतना आसान नहीं है, है ना मिस्टर चौधरी? पिस्तौल मेरे पास भी है सरविंदर, और इसका जवाब सही वक्त पर दूंगा। ये आपने ठीक नहीं किया डैडी। हिमाद्री इंटरपोल का एजेंट है, ये मैं नहीं मान सकती। न मानने का कारण? जिस आईने में सूरज साफ दिखाई दे तो आईना खोटा नहीं होता डैडी। क्या कहा? पल रंगी
तेरे संग देखे थे जो सपने हसीन, मन कर याद वो दिन। तेरे संग बीते थे जो पल रंगी, तेरे संग देखे थे जो सपने हसी, मन कर याद वो दिन, मन कर याद वो दिन। कभी छाँव में हम चले, जले धूप में भी हम तुम साथ में, कभी साथ साथ भीगे बरसात में हो। कभी छाँव में हम चले, जले धूप में भी हम तुम साथ में, कभी साथ साथ भीगे बरसात में। कभी तो पता ना चला बिन जाने कैसे ढला, कभी कभी रात काटी तारे गिन गिन, मन कर याद वो दिन, मन कर याद वो दिन। हेलो, प्रीतम सैगल बोल रहा हूँ, आप कौन है? गोल्डन समुराई। डॉक्टर सातो, कोर्ट में बातें कीजिए। आई एम सॉरी, मैं वाइकिंग बोल रहा हूँ। डॉक्टर सातो कहाँ है? वो आपसे मिलना चाहते हैं, आप फौरन चले आइए। मगर डॉक्टर सातो है कहाँ? योकोहामा में अपने पते पर। एनी अदर क्वेश्चन? जी नहीं। आओ यार आओ। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं 6-7 दिन के लिए जापान जा रहा हूँ। इन दिनों में तुम कलकत्ता छोड़कर कहीं मत जाना। ये अचानक जापान जाने का प्रोग्राम कैसे बन गया? एक पर्सनल काम निकला है। वैसे कलकत्ता से मेरा दिल डूब गया। डेंजी, ये इंटरपोल, इसको क्या नाम, हिमाद्री को हमारे कंपनी में क्यों प्लांट किया? कहीं हम कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हैं? अरे यार, तुम तो खामखा फजूल बातों में परेशान हो रहे हो। ये इंटरपोल जो होता है, इंटरपोल का मतलब है पुलिस, और पुलिस का मतलब है शक। इनकी तो आदत होती है हर काम में टांग अड़ाने की। हाँ, इन्हें भी इस बात पर अफसोस हो रही थी, इसीलिए मैंने उसे उसकी नानी के पास आगरा भेज दिया। ओहो, नीना की भी फिक्र मत कीजिए, कह देना आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी कि नजरों से दूर और दिल से दूर। 10-15 दिन अलग रहेगी, सब कुछ भूल जाएगी। डोंट वरी। लेट्स होप सो। हेलो जोडी ट्रेवल्स। हाँ, मैं गंजी बोल रहा हूँ सीकिंग कंपनी से। Yeah.
Viking from land of Buddha. आप कौन? Golden Samurai. Hands up. Go inside. मिस्टर साइगल जापान गए हैं. शिपिंग ऑपरेशन का सारा कारोबार मेरे जिम्मे है, इसीलिए आज से जो भी काम होगा उसका आधा हिस्सा मुझे चाहिए. आधा हिस्सा यानी 50-50. तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मेरा दिमाग सही है, इसलिए इससे कम में काम करना मेरे लिए नामुमकिन है. मिस्टर शर्मा, हमारे साथ काम बंद करने का एक ही रास्ता है, शायद वो तुम कभी नहीं चाहोगे. सरविंदर शर्मा को डराने धमकाने से कोई फायदा नहीं होगा. मेरा हिस्सा आधा होगा तो काम होगा, वरना स्मगलिंग ऑपरेशन की सारी डिटेल इंटरपोल को किस तरह पहुंचेगी? तुम्हारे बॉस कामाकाजी. स्टॉप इट! उनका नाम भी अपनी जबान पर मत लाना. गुड बाय मिस्टर सरबेंदर शर्मा. कौन? हिमाद्री. हाँ हिमाद्री, अपने घर में किसी को बेइज्जत करना जितना आसान है, उसी तरह इंटरपोल की आंखों में धूल डालकर स्मगलिंग करना उतना आसान नहीं है मिस्टर शर्बिंदा शर्मा. तुम जैसे नीच जानवर को मारने के लिए पिस्तौल की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें इसी वक्त गिरफ्तार कर सकता हूं. लेकिन नहीं, मुझे तुम्हारा बॉस कामाकाजी चाहिए. हिमाद्री, तुम इंटरपोल के एक्शन एजेंट हो, यह राज फांस हो चुका है. अब तुम्हें यहां रहना मुनासिब नहीं है. जापान जाकर कामाकाजी गैंग को खत्म करो और वो सही चार्ट हासिल करो. ये है डॉक्टर सातो, तमाम राजों की जड़. डॉक्टर सातो जापान के मशहूर ओशनोग्राफर, बहुत ही अमीर आदमी है. इन्हीं की मिल्कियत की इनोसेंट मारू जहाज इन्होंने सैगल और धेंजी को बेची थी. जवानी में डॉक्टर सातो बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन थे और स्वॉर्ड फाइटिंग में तो ये चैंपियन भी रह चुके हैं. हाँ, डॉक्टर सातो का लड़का अकुरा सातो, मिस मरी सातो, डॉक्टर सातो की बेटी, इंडियन एम्बेसी में स्टेनो का काम करती है और जहां तक मेरा ख्याल है वो किसी सीक्रेट सर्विस में भी काम करती है. मरी सातो फेलू के बारे में बहुत कुछ जानती है. जापान में तुम्हें उससे दोस्ती करनी पड़ेगी. खतरनाक खूनी यह है बिली, एक नंबर का निशानेबाज. जुआन कैररस, कामाकाजी गैंग के बॉस, फेलू का दाया हाथ. हा, मशहूर स्मगलर आर्थर वॉलकॉट. वॉलकॉट एक बार यहां पकड़ा गया था, ना जाने कैसे भाग निकला. Good luck for Operation Golden Dragon. Sarvendra Sharma, तुम बहुत बड़े आदमी बनने वाले हो. और कामाकाजी, तुम्हें होना पड़ेगा मेरे हर बात पर राजी. Ram pam pam pam
सर्वेंद्र। ये मैं आखिरी बार पूछता हूँ, असली चार्ट कहाँ है? वरना तो मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि मुझे किसी चार्ट के बारे में कुछ मालूम नहीं है। सैगल साहब, ये ब्लू टॉर्च आपकी नजरों के सामने सिर्फ 3 मिनट रहेगा और उसके बाद आपकी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा, समझे? मिस्टर सैगल पर ये जुल्म करने की हिम्मत कैसे हुई? मिस्टर सैगल हमारे खास मेहमान है, आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। मिस्टर सैगल कौन है? डोंट नो। सारी दुनिया दौलत के पीछे पागल है, करोड़ों रुपए का सोना हीरे जवाहरात समुंदर की तह में कहीं छुपा हुआ है। आइए हमसे हाथ मिलाइए और वो सही चार्ट हमें दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ वो दौलत हम दोनों की होगी। आप कौन हैं, क्या है, मुझे कुछ नहीं मालूम। सातों ने मुझे कोई चार्ट नहीं दी, फिर भी खामखा मुझ पर टॉर्चर किया जा रहा है। तो फिर क्यों डॉक्टर सचो ने स्टार ऑफ एशिया के सेल्वेजिंग राइट तुम्हारे नाम से खरीदा और फिर उसने गलत चार्ट मेरे डिपार्टमेंट में क्यों जमा करवाया? मुझे कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम, कुछ। आप दोनों ही हमारे कब्जे में हैं, तो फिर पता नहीं पड़ेगा आज या कल। तो साइकिल को ले जाओ, लेकिन इन्हें कोई तकलीफ ना हो। यात्री और मांतु इंटरपोल के सबसे खतरनाक एजेंट है, इन दोनों को रास्ते से हटाना बहुत जरूरी है। आप हुक्म कीजिए सर, मैं दोनों को उड़ा दूंगा। यकूफ, उनकी लाशें मिलते ही इंटरपोल पागल कुत्तों की तरह हमारे पीछे लग जाएगी। एक काम करो, डॉक्टर सेटो की बेटी मारिकोवा इंडियन एम्बेसी में नौकरी करती है, वॉलकॉट से कहो उसके सामने डॉक्टर सेटो और उसके बेटे पर टॉर्चर करे, ताकि मारिकोवा अपने बाप और भाई की जान की खातिर हमारे साथ काम करने पर तैयार हो जाए। मारिकोवा, वो क्या करेगी? मारिकोवा हिमाद्री से प्रेम का नाटक रचाकर उसे अपने फ्लैट में ले जाएगी, उसे वही गोली मार दो। सर, बात तो वही हुई। नहीं, उसके बाद मारिकोवा को बेहोश कर दोनों को नंगा सला दो और पुलिस को खबर कर दो, ताकि पुलिस इस कत्ल को मर्डर फॉर सेक्सुअल जलसी समझ लेगी। हिमाद्री का क्या खबर है? अभी अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट करके ड्रेस चेंज करने रूम में गए हैं। अच्छा, उसे कुछ जरूरी काम? जी ठीक है, हम मिल लेंगे। अच्छा चलते हैं। अच्छा Don't die! Go away! Go away! Go away!
Try, but you have to do something for me. What do you want me to do? Pardon? Judge. Please, my child, leave me! Leave me! Hello? Here. Yes, boss? Do not harm Dr. Sato. Yes, boss. You want taxi, sir? What is your number? XYZ Cloud Sky. Thank you. Mr. Ghosh, you did not recognize me. Kitara. अरे, Mr. Kitara, कमाल है. मैं तो बिल्कुल नहीं पहचान सका. क्या भेष बदला है आपने? वाह. We'll be right back.
Listen, Mary. If you cooperate with us, we will let your father and brother go. Now, listen carefully. An Indian fellow has come here to ruin our business. His name is Himadri Chaudhary. Himadri Chaudhary? That's right. You have to meet him and make love with him. You have to bring him back here. You help us, and we'll help your father and brother. If we go to police, they will get your dead body. Tell me, where do I find Himadri Chaudhary? Good evening. You are just in time. Come on. Come on, don't get nervous. He's always a nice chap. Go ahead. Ouch. Hey, my purse! Hey, catch him! Catch him! Hey, come on. Come. Oh, you leave me. Leave me. Take off your hand. Leave me. Come on. Leave me. One, two. Shoes. Please come in. Sit down here. Thank you.
ये मेरा अपार्टमेंट है। इट्स ब्यूटीफुल। मैं काम करती इंडियन एम्बेसी में। या इंडिया, इंडिया मेरा सपनों का देश। कैन आई ऑफर यू अ कप ऑफ कॉफी? नो नो थैंक यू, मैं चाय या कॉफी रात को पीता रही। बाय। मैं फिर आपसे मिलना चाहती हूँ। You are really great. Thank you. But why? Because तुमने मुझे बचाया from that man. When will I see you again? Tomorrow. I'll see you at Tokyo Tower. Marif, अब वो औरत तुम्हारे घर में कौन है? क्या वो तुम्हारी relative है? No, वो just a maid. क्यों? Because I thought, never mind. क्योंकि मैंने तुम्हारे घर में किसी और को नहीं देखा। My mother is dead. मेरा father रहता ओसाका में मेरे brother के साथ। What are you doing here in Tokyo? मैं एक yoga teacher हूँ। Will you teach me? Of course. तुम आओ मेरे institute में। Not there. मेरे घर। तुम्हारे घर में? लेकिन तुमको जाना है? Any other place? No, thank you. चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। Go ahead. मैं जा सकती by myself. क्या कर रही थी तुम उस दिन रमेश बार में at that night? मारे। मैं वो बात नहीं बोल सकती। Please, don't ask me. मारे। No, no. Something wrong. She come alone. Hello. Hello. Walcott speaking. Hello. What happened to you? Anything wrong? No. Nothing went wrong. I could not bring him. Okay. Don't get nervous. Give me more time. He's too clever. Try again. What? Sea Queen जहाज योकोहामा पोर्ट में है, उस पर कड़ी नजर रखो और मेरी हिदायत का इंतजार करो. Okay? Come in. Send Mr. Chaudhary. तुम्हें याद है हिमाद्री, मिस्टर सैगल ने कुछ जरूरी कागजात सी क्वीन जहाज की खुफिया तिजोरी में रखा था? हाँ सर, कलकत्ता पोर्ट में वो जरूरी कागजात हासिल करने में किटारा नाकाम रहा। नाकाम नाम की कोई चीज हमारी इंटरपोल की डिक्शनरी में नहीं है हिमाद्री। सी क्वीन जहाज अभी योकोहामा पोर्ट में है। तुम और किटारा कैप्टन कॉल से किसी भी कीमत पर वो कागजात हासिल करो। ओके सर। तुम दोनों ऊपर जाओ, मैं नीचे कवर करता हूं। Thank you.
मिस्टर चौधरी, वॉल्ट की चाबी कहाँ है? चाबी? कौन सी चाबी? अनजान बनने की कोशिश मत करो कैप्टन। चौधरी, तुम मुझसे गद्दारी कर रहे हो। जल्दी करो कैप्टन, वरना मौत तुमसे गद्दारी नहीं करेगी। चाबी, वो कागजात तुम्हारे किसी काम के नहीं है। चाबी, तो सातो कहाँ है? सातो? कौन सातो? चालाक बनने की कोशिश मत करो कैप्टन, वरना भुगतोगे। मुझे डॉक्टर सेटो का पता चाहिए। मुझे कुछ मालूम नहीं है। ये चार्ट भी गलत है हिमाद जी। जान जोखिम में डालकर इस चार्ट को हासिल करने के लिए तुम लोगों ने जो मेहनत की वो सब बर्बाद हो गया। इस चार्ट पर जहां जहां निशान लगे हुए हैं हमारे डाइवर्स चार चार बार समुन्द्र की तह तक पहुंचकर खाली हाथ लौटे हैं। तो अब हमें क्या करना होगा सर? डॉक्टर सातो की बेटी मारिकाओ के उन्होंने प्लांट किया है तुम्हें सिड्यूस करने के लिए। मुझे लगता है मारिकाओ के रास्ते ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए तुम्हें मारिकावा के साथ अपने प्यार का नाटक जारी रखना पड़ेगा। मुझे माफ कीजिएगा सर, मुझसे ये सब नहीं होगा। मैं भी एक इंसान हूं, मेरे सिने में भी एक दिल है। एक बार आपने ऑर्डर दिया साइकिल की बेटी नीना से प्रेम का नाटक करो, फिर उसे भूल जाओ। आप कह रहे हैं कि मारिकावा से प्रेम का नाटक करो। ये सब ऑर्डर देते समय सर आप क्यों भूल जाते हैं कि कभी कभी नाटक जीवन में भी सत्य बन जाता है। तो बात हिमाद्री, जीवन बहुत बड़ा नाटक है। ये दुनिया रंगमंच नहीं तो क्या है? यहाँ हर आदमी अपना अपना पार्ट अदा करने आते हैं। लेकिन सर हमेशा मेरे समय ट्रेजिक पार्ट ही क्यों आता है? ट्रेजिक पार्ट करते करते मेरा जीवन एक ट्रेजिडी बन गया है। सर आपका हुक्म सर आंखों पर, आपने जैसा कहा वैसा ही होगा। हेलो। हाय। मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? व्हाट? आई फील तुम किसी बारे में कुछ सोच रही हो। हिमाद्री, I don't know. मैं तुम्हें कभी कभी समझ नहीं पाता हूँ। So do I. Tell me, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? Sometimes, मुझे भी डर लगता। लेकिन क्यों? ठीक है, never mind. What's wrong? Can I trust you? Do you trust me? Then. प्रॉमिस, तुम मेरे घर पे कभी नहीं आओगे। मैं तुम्हें कहो भी तो प्रॉमिस मॉडरी, प्रॉमिस माय डार्लिंग। क्यों आए? That Indian fellow has come. Oh, dance girl.
मत घूमो। मत घूमो माधुरी, मत घूमो। वो लोग तुम्हें देख रहे हैं। Okay, okay. Be careful. Be careful, please. वो तुम्हें देख रहे हैं। Billy, you are successful. Do as Calidus too. हमारे फ्रेंड उन्हें कैसे मालूम पड़ जाता है? What is the self? Ganesh, answer my question. Denzi. Denzi? Yes sir, Denzi. वो टोक्यो आया हुआ है और मिस्टर साइकिल का पीछा करते हुए उसने हमारे डेन का भी पता लगा लिया है। वाह! ये सब जानते हुए भी तुम लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया और उसे किसी चाल में फंसा कर हमारे कब्जे में ले आओ। हिंदुस्तानी एम्बेसी में मुलाजिम हो, हमारी टॉप सीक्रेट जानती हो और तुम दुनिया के सबसे बदनाम स्मगलिंग गैंग का माकाजी की एजेंट। नो, मेरा विश्वास करो, मेरा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। स्टॉप इट, मैं सब कुछ जानता हूँ और सब कुछ जानते हुए भी तुम्हारी अदाकारी ने मुझ जैसे अदाकार को भी धोखे में डाल दिया। माधुरी, वो लोग किडनैप किया मेरे फादर और ब्रदर को, बहुत खूब। अपने बाप भाई की जान बचाने के लिए
मेरी जान लेने की साजिश में उनकी मदद कर रही थी। माधुरी, मुझे मालूम नहीं था वो लोग तुमको मारना चाहता है। प्लीज माधुरी, प्लीज विश्वास कर। अरे, हमारे पेशे के मुताबिक हम किसी पर विश्वास नहीं रख सकते, लेकिन तुम पर विश्वास रखने पर मजबूर हो गया हूं। कहीं ऐसा ना हो मेरे विश्वास को धोखा हो। Machito, anokawa kotareta. Hey Madri, ye sach hai? You love me? हाँ मारी, ज़िंदगी में पहला प्यार का नाटक है, जो हकीकत बनके सामने आ गया। मुझे फूल मत बनाओ। फूल? Yes, हम एक दूसरे को धोखा देने चले गए, और खुद एक दूसरे से धोखा खा गए। मारी, मैं मौत से खिलवाड़ कर रहा हूं। कभी भी मौत मुझे अपने पंजे में दबोच सकती है। ये सब जानकर भी क्यों आई तुम मेरी जिंदगी में? Because I love him, man. तुम हमारा सुपरमैन। और सही मायने में मुझे भी तुम जैसी लड़की की तलाश थी। हेलो, हाँ हाँ सुनो, मुझे खास तौर पर खबर मिली है कि ये लोग मारिकावा की साजिश में नाकाम रहे। हाँ, और ये भी खबर है कि अब ये लोग तुम्हें कत्ल करने के लिए कोई बहाना नहीं ढूंढेंगे। माफ कीजिएगा सर, अगर वो लोग मेरा खून करना चाहें तो मैं उनका मुकाबला अकेले ही कर सकता हूँ। तुम अच्छी तरह जानते हो कि बहुत जरूरी होने पर भी मैं खून खराबा पसंद नहीं करता हूं। हमारा प्रेजेंट मिशन है फेलू को तलाश करना। मारिकावा हमारे लिए काम कर रही है, लेकिन उन लोगों के पास वो अब तक एक्सपोज नहीं हुई। तुम मेरा, तुम उसके साथ किसी किस्म का टच मत रखना। मारिकावा के साथ? दैट्स अ वेरी क्लोज सर, आई मीन टू से एब्सोल्युटली क्लोज। क्या कहा? वेरी वेरी क्लोज, इसका मतलब? मतलब वी आर कमिंग वेरी मच क्लोजर सर। वेल वेल, मारिकावा का नाटक बहुत क्लोज होता जा रहा। खैर, कहीं घूमने जाओगे तो? लेकिन सर, सर करने क्यों जाऊं? नहीं नहीं, अगर तुम्हें जाना है तो टैक्सी में जाओ, तुम्हारी गाड़ी लेकर मंथू जाएगा, क्योंकि तुम्हारी गाड़ी पर। लेकिन सर,
मांतु पर भी मुसीबत आई तो? मांतु और मुसीबत, अच्छा मजाक किया है तुमने। दैट बुलडोजर कैन डॉज किसी भी मुसीबत को। ओके सर, थैंक यू। हेलो हेलो, काट दिया। पहले तो इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को क्लोज कर लूं। बदमाश। मारिकाओ का अफेयर बहुत रफ्तार पर है मंतु, डबल क्रॉसिंग दोनों के बीच अच्छा ही रहा है। खैर तुम दोनों पर नजर रखो फॉर देयर सेफ्टी। सर हिमाद्री बहुत टची बॉय है, एक बार किसी के टच में आ जाए तो डिटैच नहीं होता। हाँ जी। चॉपस्टिक की ऐसी की तैसी अपना हाथ जगन्नाथ। बुद्धा के देश के हो एंड सन इज आवर गॉड। सूरज देव हमारे भी भगवान है। जब हमारा भगवान एक है, इबादत एक है, फिर हम दोनों भी एक हैं। करेक्ट। तो फिर इतनी दूरी क्यों? हम Thank you.
वादा करो तुम मुझे मेरे सपनों के देश ले जाओगे? मैं तुम्हें वादा करता हूँ मारिफ, मैं तुम्हें तुम्हारे सपनों का देश हिंदुस्तान ले चलूंगा, लेकिन उस वक्त तुम मारिकाबा नहीं रहोगी। Then what? तब तुम बन जाओगी मिसेस मारिकाबा चौधरी। मारिकाबा चौधरी, लवली, मैं तुमको प्यार करती हूँ। ये क्या हो रहा है? हट। थैंक यू सर, मिस्टर सैगल आपका इंतजार कर रहे हैं। मिस्टर सैगल ने कार भेजा, वो कहाँ है? होटल आकाशा का प्रिंस। जी, तुम यहाँ कैसे? अरे तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारा पीछा करते हुए टोक्यो तक आ पहुंचा, लेकिन इन कमबख्तों ने। मगर तुम यहाँ क्यों आए? अब हम दोनों पकड़ लिए गए। अरे डेंजी को पकड़ कर रखना इतना आसान नहीं है। तुम देखते जाओ सैगल, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर भागूंगा। हाँ डेंजी, इतना जोखिम उठाना मुनासिब नाकाम होने पर मौत या अरे मौत तो हर हालत में होनी है, लेकिन टॉर्चर चैंबर की मौत बहुत ही दर्दनाक होगी। चुप। हिमाद्री, मुझे मिल गया है। क्या मिल गया तुम्हें? कामकाजी के खुफिया अड्डे का पता मिल गया है। हम लोगों को अभी रेड करना चाहिए। हिमाद्री, देर मत करो प्लीज, मेरे फादर को बचा लो प्लीज प्लीज। आई विल मारे, आई विल, कम ऑन। यही है वो खुफिया अड्डा। Thank you.
जिसने भी मेरी खुशी छीनी है उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। Thank you.
मारा तू सागर साहब। सागर साहब डेन जी कहाँ है? मारा गया भागते वक्त। आप आइए मेरे साथ आइए। हे भात्री मुझे मालूम था तुम आओगे। हाँ आवाम की हिफाजत करना इंटरपोल की डर्टी ड्यूटी है। मंतु इन्हें ले जाओ। हिमाद्री तुम्हें छोड़कर। बकवास मत करो मंतु आई से गो। मुझे अब आखिरी बदला लेना है। स्पेशल पुलिस हेडक्वार्टर इंटरपोल स्पीकिंग सेंड मोर फोर्स। अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया चौधरी। Gamma Kaji speaking. Keep helicopter ready. Keep helicopter ready. Positions. Hello, hello, Tokyo Police Headquarters. Headquarters Police, OP send us more force. Dr. Janmin Jai Sen? Failu? Khatarnak Kamikaze smuggling gang ka leader? डॉक्टर चरणजय सेन जिंदगी में कभी हार का मुंह नहीं देखा। आज पहली बार हार माननी पड़ी। सिगार प्लीज। Ha ha ha!
जीतना इतना आसान बात नहीं। वादा करो तुम मुझे मेरे सपनों के देश ले जाओगे। Shit!